पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, ओबेसिटी या मोटापा। तो बेसिकली मोटापा क्या है? ओबेसिटी या मोटापा, सबसे जरूरी आई थिंक ये समझना है कि मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेडिकल इलनेस है, ये एक बीमारी है जो खुद बजाते खुद तो एक बीमारी है। मसला इसके साथ ये होता है कि इसके साथ बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं और उनमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर का मर्ज, शुगर का मर्ज, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना, फिर उसके बाद दिल का मसला, फॉलेज, इसके अलावा मैदे की जलन, तेजाबियत, पित्ते में पथरी, जिगर में चर्बी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, और जोड़ों का मसला, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ये सारे मसले मोटापे की वजह से ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एक बीमारी जैसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या आम जुबान में हम कह सकते हैं कि खराटों की बीमारी, के मोटापे की वजह से रात को नींद में खलल रहता है और सारा दिन थकावट रहती है, बैठे बैठे आंख लग जाती है, ये वाली चीज भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी मोटापे की वजह से होता है। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि रात को ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक नहीं जाती, तो लॉन्ग टर्म में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खुद भी दिल का मसला, ब्लड प्रेशर, फॉलेज और ये सारे मसाइल कॉज करता है। बस कैंसर ऐसे हैं जो मोटापे के शिकार लोगों में ज्यादा कॉमन है, जैसे छाती का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, जिगर का, गुर्दे का कैंसर, ये वो कैंसर है जो मोटापे के शिकार लोगों में ज्यादा कॉमन नहीं होते। अगर हम मेडिकल इलनेसेस के अलावा बात करें तो डिप्रेशन या जहनी तनाव एक ऐसा मसला है जो मोटापे के शिकार लोगों में ज्यादा कॉमन है और वो भी इटसेल्फ लोग आप पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। अच्छा, अब मोटापे के ओबेसिटी के मेजर्स क्या है या उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है कि मतलब ओबेसिटी कैसे हम डायग्नोज करते हैं। आपके वजन, बेसिकली हम मोटापा किस तरह देखते हैं कि हम पहले आपकी हाइट करते हैं, वेट करते हैं, और हाइट और वेट के तनासुब से एक बॉडी मास इंडेक्स या BMI है वो कैलकुलेट किया जाता है। वेस्ट और वेस्टर्न पॉपुलेशन और एशियन पॉपुलेशन में बॉडी मास इंडेक्स के डिफरेंट कट ऑफ्स हैं। अगर आपका BMI 23 से ज्यादा है तो आप ओवर वेट हैं, ठीक है? और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स या BMI बीइंग एन एशियन, एशिया में रहते हुए 27.5 से ज्यादा है तो आप ओबीज हैं, ठीक है? यानी कि वो बीमारी वाली लेवल पर चला गया। इसी तरह जो कमर है, कमर का सर्कमफेरेंस या कमर का नाप लिया जाता है, और इसी तरह एशियन पॉपुलेशन में अगर आप मर्द हैं और आपका वेस्ट का सर्कमफेरेंस या कमर का नाप 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये ओबेसिटी को शो कर रहा है, और अगर आप खातून हैं और आपका 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो फिर अगेन ओबेसिटी को शो कर रहा है। फिर हम कमर का और कूल्हे की रेशो भी, नाप की रेशो भी लेते हैं, जिसे हम वेस्ट टू हिप सर्कमफेरेंस कहते हैं। वो ये बता रहा होता है कि आपके पेट में कितनी चर्बी है या एब्डोमिनल कितना फैट है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि आप कितने हाई रिस्क हैं ओबीज होने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के लिए आप कितने हाई रिस्क हैं। ये बहुत अहम सवाल है कि मोटापा क्यों होता है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर आप जो कैलोरीज खा रहे हैं वो उन कैलोरीज से ज्यादा है जो आप यूज कर रहे हैं, आप अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज से, सरगर्मियों से जितनी कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा आप ले रहे हैं, तो जो एडिशनल या इजाफी कैलोरीज हैं वो आपके वजन के बढ़ाने का बाइस बनती है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ या फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आप खा रहे हैं स्टिल वो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ठीक है? तो जो एडिशनल होगा वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा एज फैट और मोटापा काज करता है। अब मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपकी जेनेटिक्स का, आपकी जीनियात का है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री हो या जिनमें जीन्स में मसला हो, उनको वजन लूज करने में या वजन कम करने में दिक्कत आती है। उसकी वजह यही होती है कि उनकी जीन्स में है, मेटाबॉलिज्म उनका स्लो है। इसके अलावा आपकी वजूहात में दूसरी अहम वजह यह है कि आपका खुराक का या लाइफस्टाइल का क्या पैटर्न है, आप किस किस्म की खुराक लेते हैं। और अब जब ओबेसिटी के पेशेंट या मोटापे के पेशेंट देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही असेस करना होती है कि फूड का क्या पैटर्न है, लाइफस्टाइल कैसा है,
अगर आपकी ऑफिस वर्क है, आपकी लाइफ में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल आपका डिपेंड करता है कि आपको वेट गेन कितना होगा। फिर कुछ नफ्सियाती मसाइल ऐसे होते हैं, डिप्रेशन के जो शिकार मरीज होते हैं उनमें ये मोटापा ज्यादा कॉमन है, बिंज ईटिंग जो एकदम से बहुत ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खा लेते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो मोटापा कॉज करती हैं, जैसे खवातीन में बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो खवातीन के हार्मोन्स का अदम तवाजुन होता है और वो भी वेट गेन करता है, उसकी वजह से भी मोटापा होता है। थायराइड का प्रॉब्लम होता है, अगर थायराइड ठीक तरह से हार्मोन नहीं बना रहा, जिसे हम आम मेडिकल टर्म्स में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या एक बीमारी है कुशिंग सिंड्रोम जिसमें बॉडी में कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो वेट गेन करती हैं। लेकिन अगर हम मोटापा देखा जाए, ओबेसिटी देखा जाए, वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू इन बीमारियों के। इसका मतलब है कि बाकी चीजें भी इसमें अहम है, लेकिन जब हम किसी भी मरीज को देखते हैं तो हम ये चीजें देखते हैं, क्योंकि ये चीजें रिवर्सिबल है। हम हाइपोथायरॉयडिज्म को अगर ट्रीट कर दें तो मोटापा जल्दी रिकवर किया जा सकता है, तो इन चीजों को देखा जाता है, लेकिन हर मोटापा किसी मेडिकल रीजन की वजह से नहीं होता। इसके अलावा बाज अद्वियात हैं जो वजन बढ़ाती हैं, जैसे स्टीरॉयड की दवाइयां होती हैं, और भी कुछ डिप्रेशन की दवाइयां होती हैं, एंटीसाइकोटिक्स होती हैं। तो जब हम देखते हैं मोटापे के शिकार लोगों को, तो हम इन सारी चीजों के ऊपर उनको इवेल्युएट करते हैं कि ऐसा कोई रीजन तो नहीं है वजन बढ़ने की। फिर मैं इलाज में सबसे पहले बात तो ये करना चाहूंगी कि वही बात जो मैंने शुरू में कही कि मोटापा जो है वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, एक बीमारी है, एक दाइनी मर्ज है। तो जब हम किसी दाइनी मर्ज की या क्रॉनिक इलनेस की बात करते हैं, जैसे डायबिटीज है या शुगर ब्लड प्रेशर है, तो उनका इलाज ताहियात चलता है। इसी तरह ये समझना भी जरूरी है कि मोटापे का इलाज या उसके लिए जो एक एफर्ट है वो ताहियात चलेगी, और उसमें मेरे ख्याल से सबसे आसान इलाज यही होगा, क्योंकि बाकी जो दाइनी प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक इलनेसेस हैं, उसमें तो अद्वियात हैं। और मोटापा ओबेसिटी में आपके लिए सबसे जरूरी है आपका लाइफस्टाइल, जिसमें आपकी खुराक और आपका ईटिंग पैटर्न, आपकी खुराक, आपकी लाइफस्टाइल और ये चीजें आ जाती हैं। तो ये चीज है कि आपने ये चीजें अपने साथ हमेशा लेके चलनी है। अब इलाज किस तरह करना है उसके लिए ये समझना जरूरी है कि जैसे मैं अपने मरीजों को हमेशा ये बताती हूँ कि तीन सीढ़ियां हैं, और पहली सीढ़ी पर आप जाएंगे तो ही आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, पहली सीढ़ी पर है आपकी लाइफस्टाइल, यानी आपकी खुराक और आपकी एक्सरसाइज। दूसरी सीढ़ी है अद्वियात, मेडिसिन, और फिर तीसरी सीढ़ी है सर्जरी। तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं डायरेक्ट मेडिसिन ले लूंगा या सर्जरी करा लूंगा तो वेट लॉस हो जाएगा, इस तरह नहीं हो सकता। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि जब तक आपकी इतनी मोटिवेशन नहीं है कि आप अपने आप को एक डाइट और एक लाइफस्टाइल पे रख सकें, तो फिर अगर आप सर्जरी भी करा लेंगे ना, तो वो वापस आपको दोबारा से स्टेप वन पे आना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर जाना है, और जरूरी, और बाज औकात ऐसे भी होता है कि अगर आप लाइफस्टाइल के साथ और उसके साथ ही कंट्रोल कर लें तो आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो खुराक में आपने, और अपने लिए हमेशा आपने अपने फिजिशियन के साथ एज ए टीम काम करना है, अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि मैंने बहुत तेजी से वजन कम करना है, आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरा जो वजन है वो मैंने किस तरह कम करना है, कि बेशक स्लोली हो बट वो मुस्तहकम हो और परसिस्टेंट हो, कि आपने उसको लेकर चलना है। ठीक है, तो मुस्तकिल उसको कायम रखना है। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर किसी का वजन 100 किलो है तो वो ये सोचे कि मैंने 3 महीने में उसको 60 पर लेकर आना है, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो आपने रियलिस्टिक गोल रखने हैं और लॉन्ग टर्म सोचना है कि मैंने इस चीज को फिर आगे मेंटेन भी करना है, क्योंकि अगर जब वापस आता है ना वजन, आपने छोड़ दिया, आपने क्रैश डाइटिंग की गलत तरीके से, उसके बाद जब आपने छोड़ दी तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो होगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा मुश्किल होगी। तो अपने लिए रियलिस्टिक टारगेट्स रखने हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ अपना एक प्रॉपर जो डाइट प्लान है वो बनाना है, और एक्सरसाइज आपने उसी तरह अपने पर वीक के हिसाब से, मतलब एक हफ्ते के लिहाज से आप 150 to 300 मिनट की हम यूजुअली टारगेट्स देते हैं कि आप
मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जिसमें तिराकी आ सकती है, साइकिलिंग आ सकती है, या फिर ब्रिस्क तेज वॉक करें. बहुत अच्छा, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉक इज बेस्ट. ठीक है, तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में लेकर आए. उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आप अपने जनरली लाइफ स्टाइल में ला सकते हैं. तो अपनी नींद प्रॉपर लें. अगर आपको किसी भी किस्म का कोई ज़हनी परेशानी या दबाव है तो आप अपने मौलिज से उसके बारे में मदद लें, उनको बताएं कि आपको ये मसला हो रहा है, डिप्रेशन है. तो मेंटल हेल्थ को भी आपने साथ साथ लेकर चलना है. आखिर में मेरा आप सब लोगों से के लिए ये पैगाम है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपने इसको मोटापे को एक बीमारी समझना है, और अपने लिए वक्त निकालें और अपने करीबी किसी भी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या ओबेसिटी स्पेशलिस्ट को जरूर चेकअप कराएं. थैंक यू. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से.